नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक बीमारी की जो भी बहुत तेज़ी से फैल रही है और कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे इसके लगातार जो केसेस हैं वो कोरोना के बाद आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और ये भी उतनी ही फैटल है जितनी कोरोना। लगभग काफ़ी लोगों की डेथ इसमें हो चुकी है अब तक। हर साल जैसे ही हमारे देश में ये बारिश एंडिंग की तरफ होती है, समाप्त होने की तरफ होती है, या बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद जब फिर कई दिन तक बारिश नहीं होती है, तो उस टाइम बहुत सारे जो कीट पतंगे हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं और जो दूसरे परजीवी हैं वो पैदा होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फिर हर साल हमें देखने को मिलती है। कुछ तो आम है जो हर साल ही होती हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, टाइफॉइड है, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कभी कभी आती हैं, महामारी के रूप में आती हैं, या फिर कुछ नए बैक्टीरिया और नए वायरस भी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक बीमारी है, एक बैक्टीरिया है, जिसके कारण अभी एक स्पेसिफिक जो समस्या है बुखार जैसी ही वो चल रही है, और स्क्रब टाइफस एक जो परजीवी है, एक तरीके से पिस्सू जैसा होता है उस टाइप का, और उससे ये बीमारी हो रही है। ये बैक्टीरिया है वैसे तो, ओरिएंटिस सुट्सुगामिसी, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, जो स्क्रब टाइफस बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और जो बहुत सारे जो कारण हैं इसके होने के, इनमें से एक तो यही है कि पिस्सू जैसे हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ जानवर रहते हैं उनके रहने की जगह है, या कहीं कोई घास या उस टाइप की चीज़ बहुत दिन से रखी है और वो नमी आ चुकी है उसमें, वहाँ है। जो चूहे होते हैं, रैट्स, उनके शरीर पे भी ये पिस्सू जैसे जो चीज़ हैं, जानवरों के शरीर पे उन सब जगह देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया कि जो खटमल, एक तरीका के जो कीट्स हैं, माइट्स में आते हैं, इनको माइट्स बोलते हैं, तो जो माइट्स हैं वो भी इसको फैलाते हैं। तो ये सब उन्हीं जगह देखने को मैक्सिमम अभी मिल रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी है और सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। तो हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है स्क्रब टाइफस से। अब इसकी अगर हम बात करें कि लक्षण क्या है, तो इसके मैक्सिमम लक्षण तो डेंगू जैसे देखने को लगते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, शरीर में दर्द बहुत तेज़, लेकिन कुछ दिन ऐसा रहने के बाद फिर स्पेसिफिक सिम्टम्स इसके आने शुरू हो जाते हैं, जैसे फिर यहाँ पे जो गांठ्स हैं, नोड्स हैं, वो फूलनी स्टार्ट हो जाएंगी, जहाँ पे वो पिस्सू ने, उस माइट्स ने जो आपको बाइट किया है, काटा है, वहाँ का काट लिया है उस पर्टिकुलर जगह, चकत्ते टाइप बनने स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे निशान हो जाएंगे लाल लाल, और उभरे हुए उनमें खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है। बुखार बहुत हाई ग्रेड तक पहुंच जाएगा, 104, 103, 104, 105, इस टाइप से वेरी हाई ग्रेड फीवर होगा, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन देखने को मिलेगा, और फिर ज़्यादा स्थिति बिगड़ने पे निमोनिया, ऑक्सीजन की कमी, प्लेटलेट्स तो कम होएंगी, वो तो शुरुआती लक्षण में भी इसके देखने को मिल ही रही हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारे, जैसे चक्कर आने की स्थिति होगी, उल्टी का मन होने की स्थिति होगी, तो ये सब हमें कंटिन्यूस इसमें देखने को मिल सकते हैं। थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी, वीकनेस, कुछ काम करने का मन नहीं लगेगा, तो ये इसके सारे मेन मेन लक्षण हैं। हालांकि जो शुरुआती स्थिति है वो उसमें ये नॉर्मल वायरल फीवर की तरह लगेगा, और इसके जो ये एक इनक्यूबेशन पीरियड भी है इसका, जो लगभग 10 डेज़ है, मतलब जब आपको उस माइट्स ने
पिस्सू ने या किसी उसके कांटेक्ट में बैक्टीरिया के आ पाए हैं, लगभग 8 से 10 दिन के अंदर इसके इनिशियल सिम्टम्स जो हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो एक नॉर्मल वायरल फीवर की तरह देखने को लगते हैं, फिर जो धीरे धीरे डेंगू के लक्षण में बदल जाता है, फिर और स्थिति ख़राब हो जाती है। और अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, इलाज ना किया जाए, तो 15 से 20 दिन में ये बहुत फैटल कंडीशन क्रिएट कर सकता है, जहाँ पे डेथ देखने को मिल रही है। और बच्चे खासकर शिकार हो रहे हैं, लो इम्यूनिटी वाले लोग शिकार हो रहे हैं, जिनको अभी हाल फिलहाल में कोरोना हुआ है वो बहुत तेज़ी के साथ इसका शिकार हो रहे हैं, खासकर उन जगह जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं की जा रही है, जहाँ पे सफाई का उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है उन पर्टिकुलर जगह। अब इसके इलाज की अगर हम बात करें तो जो मेडिकल मॉडर्न मेडिकल साइंस है, कन्वेंशनल मेथड है जो ट्रीटमेंट का, एलोपैथी, वहाँ पे इलाज है इसका। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, 7 से 8 दिन 10 दिन एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स चलाया जाता है वहाँ पे, और उससे ये ठीक हो जाता है। इसके अलावा होम्योपैथी में भी इसका बहुत अच्छा इलाज है, जहाँ जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी हम इसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और तो ये दोनों ट्रीटमेंट मैं अभी आपको इसमें बता रहा हूँ स्क्रब टाइफस के, क्योंकि ये जो स्क्रब टाइफस है ये ऐसा नहीं है कि ये अभी आया है पहली बार, ये बहुत बार आ चुका है और लगभग हर साल इसके केसेस आते हैं। पर्टिकुलर जगह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये एक हब एक टाइप का है जहाँ पे ये हर साल आता है। वहाँ पे एक बड़े स्केल पे ये नुकसान भी करता है, बहुत सारे लोगों में ये फैलता है, बहुत बड़ी संख्या में ये लोगों को इन्फेक्टेड करता है। तो जो मेडिसिन है वो टेस्टेड भी हैं लोगों के, जिन लोगों ने वहाँ पे ट्रीट किया है होम्योपैथी में या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, और रिजल्ट ओरिएंटेड वो हैं। जैसे अगर हम होम्योपैथी में बात करें तो स्टार्टिंग में ही हमारे पास आ जाए तो बहुत सारी मेडिसिन है, शुरुआत में ही आ जाए, जहाँ पे एकोनाइट है, एकोनाइट को स्टार्टिंग में ही 3-4 दिन दिया जाए तो वो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन फिर भी अगर उसको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए हैं तो स्टार्टिंग के सिम्टम्स में जेलसीमियम को आप 200 या 1 mg में दे सकते हैं, 2 डोज रोज, और क्योंकि फैटल होती है ये, तो इसलिए हमें 1 mg इसमें काम करेगा या 200 काम करेगा, बच्चों में 200 दे सकते हैं, बड़ों में 1 mg, और इसको फ्रिक्वेंट देना पड़ेगा, 2-3 दिन 2-3 डोज डेली। लेकिन अगर थोड़ी लेटर स्टेज में आता है और ग्लैंड्स यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं, हल्की हल्की खांसी भी स्टार्ट हो जाती है, जो ऐसा लगता है कि जैसे खांसी यहाँ गले से उसको उठती है, छाती से खांसी नहीं आएगी, उसको गले से यहाँ से वो खांसता हुआ नज़र आएगा। थोड़ी बहुत सांस की तकलीफ भी लेटर स्टेज में स्टार्ट हो सकती है इसमें, और प्लेटलेट डाउन हो सकती हैं, शरीर में पेन हो सकता है। तो उन सब कंडीशन के लिए आपको 2-3 रेमेडी हैं, जैसे मर्कसोल है, मर्कसोल 30 आप दिन में 2-3 बार दे सकते हैं, आर्सेनिकम एल्बम 30 दिन में 2-3 बार दी जा सकती है, और यूपिटोरियम पर्फ जो बॉडी पेन होता है, प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, उनके लिए आप इसको दे सकते हैं 30 या 200 पोटेंसी में। 200 देंगे तो दिन में एक बार दे सकते हैं, 30 में आप उसको 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं पर डे। फिर प्लेटलेट को आप नेचुरली मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन से भी आप बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपको कैरिका पपाया का मदर टिंचर, टिनोसफोरा कोर्डिफोलिया जो गिलोय होता है इसका, इन दोनों मदर टिंचर को आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके 10 to 20 ड्रॉप्स डेली 3 to 4 टाइम्स ले सकते हैं, इससे प्लेटलेट्स भी इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थेरेपेटिक ट्रीटमेंट था जो हम होम्योपैथी में ले सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी आपको देखना है कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना है, फीवर की रेमेडी, फीवर का कॉम्बिनेशन अलग देना है, जो मैंने कई बार आपको बताया भी है, जिसमें S10, F1, VAR1, YE, और अगर थोड़ी सी वही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी है, निमोनिया टाइप जैसी चीज लग रही है, तो आप इसमें P2 भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपको 10th डाइल्यूशन में देना है और
जिसको बुखार है उसको और लाइटर करके देना है, क्योंकि थोड़ा ज़िद्दी बुखार होता है उसका। तो एक गिलास पानी में, ये 10th डायलूशन की भी, एक गिलास पानी में आपको 10 ड्रॉप डालनी है, उसको हिलाना है और धीरे धीरे घुट घुट करके सिप सिप करके उसको पीना है। तो इससे आपको ऐसे ही, इस तरीके से आपको 3 से 4 गिलास दिन में आप पियेंगे तो बुखार वाली कंडीशन और चक्कर वाली सिचुएशन है तो इसमें आप C1 और ऐड कर सकते हैं। ये उसको वर्टाइगो जैसा लग रहा है, सर घूम रहा है, तो ये वाली कंडीशन भी उसकी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। सर में दर्द है, हेडेक है, उसको भी ये थोड़ा सा कवर करेगा। C1F1WE, WE मैंने बताया सर, WE भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वाई तो ऐड है। तो यहाँ से आपको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसको, S10 F1 C1 वर 1 या वर 2 भी ले सकते हैं, F1 या F2, और वाई WE भी ऐड कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन को आपको 10th डायलूशन में, जो 19 में करते हैं वो D10 में ले सकते हैं, जो जो 147 में करते हैं वो 10th डायलूशन ले सकते हैं, और फिर एक गिलास में 10 ड्रॉप डालनी है। तो ये कॉम्बिनेशन है जो इसमें अच्छे से काम करेगा। प्लेटलेट के लिए हमें अलग से उसको बना के देना है, जैसे प्लेटलेट में हमारा S1 L1 A3 L2 जिसको बोलते हैं, L2 को आप D4 में या D5 में दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये प्लेटलेट को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, प्लेटलेट इससे बहुत तेज़ी से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो ये आप प्लेटलेट के लिए दे सकते हैं और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इसमें जो मेडिसिन है उनको आगे पीछे किया जा सकता है, या कोई और कॉम्बिनेशन भी बना के दिया सकता है। लेकिन शुरुआती स्टेज में अगर आप ये भी दे देंगे, ये डेंगू में भी यही लगभग 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 यही फॉर्मूला काम करेगा, बस आपको वहाँ पे C1 की जगह C4 लगा देना है, तो डेंगू के ट्रीटमेंट भी लगभग वही बन जाएगा। आप वहाँ C1 की जगह C4 कर सकते हैं, या C1 वहाँ से हटा दीजिए आप और उस नॉर्मल सिंपल फीवर का फॉर्मूला रखिए और C1 को रिमूव करिए, C4 को ऐड कर दीजिए। तो क्योंकि डेंगू को एक तरीके से हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, तो C4 के थ्रू वो वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। बाकी S10 F1 WE वर 1 Y F1 F2 ये सब अपना काम करेंगे ही। बहुत तेज़ बुखार होने पे आप एक कंप्रेस भी दे सकते हैं जो कई सारी सिचुएशन को मैनेज करेगा, जिसमें आपको A2 S5 C5 और F2 और WE, इसको आपको यहाँ पे ये माथे पे जो है उसको कंप्रेस करना है, कोल्ड कंप्रेस करना है, और ठंडे पानी में इसकी 10 से 20 बूंद डालने के बाद में फिर रुमाल को या ऐसे छोटे कपड़े को यहाँ उस पर रखा जा सकता है कंटिन्यूस। इससे सर दर्द और चक्कर और बुखार तीनों चीज़ों में जो है वो आराम मिलेगा। तो ये इस तरीके से आप स्क्रब टाइफस और डेंगू दोनों को हमारी इलेक्ट्रोमेपैथी रेमेडी के सिंगल सिंगल दो प्रोटोकॉल से, 3 प्रोटोकॉल से कवर कर सकते हैं। इसमें एक एक्सटर्नल है और 2 इंटरनल है, प्लेटलेट वाला जो मैंने बताया S1 L1 A3, और आप C4 आपने उधर ऐड कर दिया तो C4 को इधर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और C4 वैसे भी नेगेटिव में देना पड़ेगा क्योंकि पेन वाली कंडीशन है। ये हम S1 L1 A3 जो है वो एक तरीके से L2 प्लेटलेट को जल्दी से बढ़ाने का काम करेगी। तो ये स्क्रब टाइफस का होम्योपैथी और इलेक्ट्रोमेपैथी ट्रीटमेंट मैंने बताया आपको, और उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और आपके कोई क्वेश्चन है कोई रिलेटेड इस वीडियो से या किसी और वीडियो से भी, तो आप कमेंट